हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं कॉलेज के फ्रेशर पार्टी में, जो कि रायपुर टीटोज में है। जगह तो फिलहाल नहीं बताऊंगा। आज मेरे साथ है गौरव। गौरव और मैं आज हम लोग जाएंगे फ्रेशर पार्टी में। सरप्राइज रहेगा जगह, बाकी तो कॉलेज का नाम हम लोग फिलहाल आगे आपको पता चल जाएगा, हेडलाइन में मिल जाएगा। बाकी फ्रेशर पार्टी का पूरा अपडेट दूंगा, वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, कौन मिस्टर फ्रेशर बना है और मिस्टर फेयरवेल तो फिलहाल बाद पे होगा, तो उसका भी अपडेट दे देंगे। और आगे चलते हैं, देन आपको टीटोज़ का पूरा लुक दिखाता हूँ। टीटोज़ क्लब पे यहाँ पे रहने वाला है, मॉर्निंग है, चलते हैं और बाकी आपको नेक्स्ट अपडेट देता हूँ। लेट्स गो। तो फिलहाल अपन निकल गए हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। आगे से फिर लोगों को कंटिन्यू करता हूँ। रायपुरा एरिया है हमारा। फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल गए थे SKTT कॉलेज के यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए, और यहाँ पे हम लोग फिलहाल पहुँच गए थे टीटोज। टीटोज का एंट्री आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं, गाड़ी यहाँ पे पार्क करेंगे। ये टीटोज देख सकते हैं, बैजिंग लगी हुई है ऊपर, होल्डिंग्स। बाकी यहाँ पे बहुत ही प्यारा ग्राउंड है, जिसका मैं आपको व्यू अभी थोड़ा सा दिखाऊंगा फ्रंट कैमरे के साथ। और बोलते हैं, फिलहाल अपन आ गए हैं यहाँ पे टीटोज के क्लब में। ये टीटोज का पूरा एरिया है, ये ओपन ग्राउंड यहाँ पे टीटोज का बनाया हुआ है। तो कॉलेज नाम आपको फिलहाल रिवील कर देता हूँ, SKTD लॉ कॉलेज, जो कि दुर्गा कॉलेज के पास है, उसका यहाँ पे आज फ्रेशर है। तो फ्रेशर का पूरा वीडियो व्लॉग यहाँ पे डलेगा, आप लोग पूरा देख सकते हैं, इन्जॉय करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा ऐसे ही व्लॉग्स के लिए। आई होप आप लोग को ये सब मज़ा आएगा। बाकी आपको पूरा एंट्रेंस दिखाता हूँ और आगे पूरा सिनेमैटिक दिखाता हूँ, आप इन्जॉय करिए। लेट्स गो। टीटोज क्लब ये स्टारवुड होटल के अंदर यहाँ पे बनाया गया है, बेसमेंट में ये क्लब है। इसकी एंट्री आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगी। इंद्रप्रस्थ रोड में जब आप टाटी बन के साइड जाएंगे तो डी मार्ट वाले लेन पे आपको ये टीटोज क्लब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गार्ड सिक्योरिटी भी बिल्कुल टाइट रहती है, आपको यहाँ पे स्टैंप लगाया जाएगा और स्टैंप के बाद यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। देन यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको बात करनी है किसी भी पार्टीज़ के लिए, तो यहाँ पे कैबिन्स बने हुए मैनेजर के ऊपर पे ही, तो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। देन यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे, कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू रहेगा। नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बेसमेंट बना हुआ है, जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। पार्टीज वगैरह जब बुक होती है तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा रेस्ट एरिया टाइप का है, जहाँ पे आप थोड़ा सा चिल आउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको साउंड बिल्कुल नहीं आएगा। ये दो डोर्स बने हुए हैं, देन उसके बाद आपको पूरे साउंड और पूरे यहाँ पे व्यू देखने को मिल जाएगा कि किस तरह का यहाँ पे एम्बियंस होने वाला है। तो हमारे टीटोज क्लब का एम्बियंस कुछ इस तरह है कि बीच में ये डिश टेट है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी सीटिंग से बहुत ही प्यारे अरेंजमेंट्स है, चेयर ही नहीं पूरी सोफे वगैरह सब है। साउंड सिस्टम भी बहुत प्यारा है, ऊपर पे यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है, पूरा ब्लू एम्बियंट लाइट वगैरह सब लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा लुक है। अगर आपको एक छोटी पार्टी करनी है, 40-50 पीपल्स, 100 पीपल्स, 150 पीपल्स, बहुत ही प्यारा ये एक लोकेशन है जिसमें आप मस्त पार्टी कर सकते हैं। जैसे SKTD कॉलेज ने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया फ्रेशर्स करके, जिसका डिस्क टैग बहुत प्यारा है, तो यहाँ पे आप गेम्स वगैरह और सब चीज़ें प्यारा इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टर के लिए इस टाइप का यहाँ पे टेबल लगा रहता है। बाकी आप ये देख सकते हैं पूरे सिटिंग एरिया, यहाँ पे बार काउंटर भी अवेलेबल है, तो जैसे आप ड्रिंक्स वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप मील के साथ अगर यहाँ पे पैकेज लेते हैं तो। बाकी आप देख सकते हैं कि ये पूरा बुक्ड है, तो फिलहाल यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके पार्टी के अलावा। बाकी आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे टीटोज की बैजिंग, लाइटिंग, डेकोरेशन, जिस प्राइस रेंज में ये मिलता है वो बहुत ही प्यारा है। बाकी आपको स्विमिंग पूल वाला एरिया भी दिखाता हूँ। ये स्विमिंग पूल वाला एरिया भी मेंटेनेंस के लिए है, तो ये पूल एरिया भी आपको मिल सकता है, स्टारवुड होटल का है। यहाँ पे भी आप पार्टी इंजॉय कर सकते हैं, साउंड सेटअप पूरा लगा के ये पूल भी आपको रेंट पे मिलता है। तो इसके लिए भी अगर आपको बुकिंग करनी है तो यहाँ आके आप बात कर सकते हैं। बाकी अंदर दिखा के आपको हमारे आज के होस्ट जो है, फिलहाल मैं यहाँ पे आ गया हूँ अंदर, आज फ्रेशर होने वाला है, तो यहाँ के आज के होस्ट से आप लोगों को मिलाने की कोशिश करता हूँ। बहुत प्यारे होस्ट है, आपको बहुत मजा आएगा इनसे मिलके। ये हमारे दानिश भी है, ये अपन हमारे अजय भी है, और ये हमारी साथी मैम है। तो आप इसका शो पूरा ये होस्ट करेंगे और बहुत मजा आएगा आप लोग को। लास्ट में आप लोग को रिव्यू देता हूँ, लेट्स गो। मैं इस प्रोग्राम की होस्टिंग करने वाला हूँ और मैं इसका भरपूर फायदा उठाऊंगा, तो सब रेडी रहिएगा, सबके तरफ मेरी नजर है, मैं किसी को भी बुला सकता हूँ इस दिन में, ठीक है? तो
दोस्तों आप बीच बीच में मेरी वॉइस ओवर थोड़ी कम आएगी, आप थोड़ा सा शो इंजॉय कीजिए, पूरे फ्रेशर्स को इंजॉय कीजिए। हर पार्ट को मैंने कवर अप करने की कोशिश की है, हर छोटे छोटे चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। वीडियो लेंथी हो गया बट आप सपोर्ट दिखाइएगा, आप बाकी सिनेमैटिक इंजॉय करें। बीच में कुछ कुछ चीज़ें मैं बताते रहूँगा। ये कुछ सॉन्ग परफॉर्मेंस बाय फ्रेशर्स था, देन इसके बाद सीनियर्स यहाँ पे डांस करेंगे, वो आप इंजॉय कीजिए बैक टू बैक।
देखते बन रही है, डांस देख देख के सबका डांस निकल रहा है, बेहतर लग रहा है किसी का। तो यहाँ से अब आपको रैंप वॉक देखने मिलेगा, जिसमें आपको पूरे गर्ल्स और बॉयज़ को यहाँ पे फ्रेशर्स को यहाँ पे बुलाएंगे स्टेज पे। देन उसके बाद यहाँ पे पूरा रैंप वॉक करवाया जाएगा, तो आप उसको भी इंजॉय करिए। यहाँ पे बॉयज़ वॉक के बाद यहाँ पे पूरा रैंप वॉक स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये कुछ डांस के क्लिप्स है, यहाँ से पूरे डांसिंग स्टार्ट हो गई थी, तो डांस का यहाँ पे कुछ क्लिप दिखा देता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे गेम्स स्टार्ट होंगे, तो फिर उसको बताने की कोशिश करता हूँ। पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लड़कियां जो है वो लड़कों को साड़ी पहनाएगी, ठीक है? तो ये गेम इस प्रकार था कि यहाँ पे चार गर्ल्स ने चार बॉयज़ को यहाँ पे सेलेक्ट किए, देन जो गर्ल्स यहाँ पे पहले अपने बॉय को यहाँ पे साड़ी पहनाएगी वो यहाँ पे पेयर जीत जाएगी। तो देखते हैं कि इसका विनर कौन रहने वाला है। लास्ट में आपको सब विनर्स का यहाँ पे अनाउंसमेंट और फोटो के साथ यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी आप ये गेम इंजॉय करें। तो ये गेम में गर्ल्स के साथ गर्ल्स और बॉयज़ के साथ बॉयज़ अपोनेंट यहाँ पे चूज़ किए गए थे। तो ये फ्रेशर्स जो गर्ल्स थी उनका यहाँ पे मैच चल रहा है, इसके पहले जो था वो सीनियर्स का चल रहा था। आपको देखे होंगे कि जो बाउंसर टाइप का बंदा था वो जीतेगा लग रहा था फर्स्ट मैच पे, बट वहाँ पे सीनियर जो थे थोड़े से कम लग रहे थे कि जीतेंगे, वो यहाँ पे बहुत प्यारा यहाँ पे मैच निकाले। देन ये फाइनल मैच था, यहाँ पे देखने इंटरेस्टिंग था कि कौन, बहुत देर तक ये मैच चला, फिलहाल करीब 3-4 मिनट तक ये मैच चला, देन फाइनली कौन जीतता है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसी सेम टाइम पे यहाँ पे स्टार्टर लग गया था, तो आप स्टार्टर भी ले सकते थे और साथ में यहाँ पे गेम्स वगैरह और फोटोशूट भी वहाँ पे सब चल रहा था। तो एक बढ़िया मोमेंट था कि आप थोड़ा सा यहाँ पे पेट पूजा भी कर सकते थे। देन यहाँ पे उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा सब स्टार्टर यहाँ पे लेने पे बिजी थे। देन यहाँ पे फोटोशूट वगैरह करके यहाँ पे मैम वगैरह पे स्पीच देंगी, तो वो आप देख सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे मैम के साथ कॉलेज बच्चों का कुछ फोटो सेशंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्राउड मोमेंट एक फील होता है कि मैम के साथ सब यहाँ पे बच्चे बिल्कुल यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ये सब चीज़ देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब आप देख सकते हैं अपने अपने यहाँ पे पिक्चर्स जो वहाँ पे क्लिक करवाए हुए थे। तो यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे एक एक पिक्चर्स यहाँ पे शो होंगे, देन आप यहाँ पे फिर कंटिन्यू करेंगे अपने आगे के प्रोग्राम को। थोड़े दिन के बाद यहाँ पे मैम के साथ थोड़ा सा डांस एंजॉय करेंगे बच्चे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मेन डांस जो बचा था वो चालू होगा, पूरे के पूरे यहाँ पे पार्टी करने पे मूड पे आ जाएंगे सब बच्चे, तो वो एंजॉय करिए और लास्ट में फिर अपन मिलते हैं। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डांस के फुल मूड पे आ गए थे, तो यहाँ पे पूरी एंजॉय की ये क्लिप्स डांस की। यहाँ पे फ्लोर पे आपको जिंदा नाग देखने को मिल जाएगा, बहुत ही ऑसम मोमेंट है, ये सब एंजॉय करते रहो आप। तो यहाँ से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा, मिस्टर इवनिंग वगैरह, तो ये सब आप देख सकते हैं बैक टू बैक। तो फर्स्ट ईयर से जो मिस इवनिंग है वो है नन अदर देन नेहा वर्मा। तो दोस्तों हम बुलाना चाहते हैं मिस्टर फैशन के लिए, तो प्लीज वेलकम सौरभ जोधा पालियां से, सौरभ निर्माण के लिए। We'll be right back.
सामने सभी अपने लिए मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर है। अब इसके बाद मिस्टर फ्रेशर एंड मिस फ्रेशर के लिए जोरदार ताली हो जाए। प्यारे सौरभ, यह हमारा भाई आजकल। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिलहाल शो फेस्टिवल खत्म हो गया है। आप लोगों को पूरा फेस्टिवल का डिटेल हो सकता था दिखाने की कोशिश किया हूँ। वीडियो एक्चुअल में क्या लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट कट करके दिखाया हूँ। तो आई होप आप लोग आई होप आपको मजा आया होगा। फाइनल फिनिश हो चुकी है, मैं यहाँ से निकल रहा था बाहर। तो चलते हैं। आज तो हो गया फिलहाल खत्म, लेट्स गो। बहुत ऑसम फ्रेशर पार्टी था। देन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय।